नमस्ते दोस्तों, प्यारे भाइयों। देखिए, आजकल हम देखते हैं कि प्राय यूट्यूब के अंदर शरीर को ताकत बढ़ाने के लिए, पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए कई तरह के नुस्खे आते हैं कि इस चीज़ का सेवन करें, बिस्तर पे धूम मचाएं, वो करें, ये करें। इस तरह की वाहियात बातें यूट्यूब के अंदर आती है, चैनल्स पे आते हैं, और बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ, पतंजलि वगैरह इस तरह के भी एड देती हैं कि ये ड्रिंक लेने से 2 घंटे आउट नहीं होंगे, ये लेने से वो नहीं होगा, तो ये उनको शोभा नहीं देता। इस तरह के यूट्यूब के अंदर प्रोग्राम देते हुए वो महान संत रामदेव जी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। कोंच पाक बना दिया कि इसके सेवन से ये होता है, शतावरी बना दिया, वो दुनिया भर के पैसे वो वसूल करते हैं आप लोगों से। देखिए, मैं इस और उसमें नहीं आता हूँ, और मैं आपको सरल और सबसे बेहतरीन और अच्छे से अच्छा नुस्खा मैं आपको बताऊँगा, ताकत के लिए, पौरुष शक्ति के लिए, स्तंभन के लिए, इंद्री के मजबूत होने के लिए ये नुस्खे मैं बता रहा हूँ जो पेट में खाने के हैं, और इनका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। और कोई लुभावने विज्ञापनों पे, एड पे ध्यान न दें, अपनी जेब न कटाएं। हो सकता है मेरे को ये प्रसारण 2 भाग में प्रसारित करना पड़े, तो अब मैं आता हूँ ताकत के नुस्खों के ऊपर। हाँ, देखिए, मैं इसमें जो नुस्खे बताऊंगा वो बिल्कुल गरीब आदमी भी कर सकता है और अमीर आदमी भी कर सकता है, जिसकी जैसी पॉकेट अलाउ करे। हाँ, देखिए, अंजीर खाने से पौरुष शक्ति बढ़ती है, अंजीर खाने से, और गेली अतिश को मिश्री के साथ, दूध के साथ फक्की लेने से शरीर में ताकत बढ़ती है। देखिए, हम जहाँ पर भी कोई वनौषधि का नाम लेते हैं तो उसकी मात्रा आप यूं मान के चलिए कि 1 चाय के छोटे चम्मच के बराबर होगी। तो अतिश नाम की जड़ी बूटी आती है, पसारी के मिलती है, और इसको करीब 3-4 ग्राम आप छोटी इलायची के थोड़े चूर्ण के साथ में, और थोड़ा उसमें बंस लोचन मिला देवें, ये भी पसारी के मिल जाएगा, और इसको दूध के साथ लेवें रात को, तो इससे पौरुष शक्ति यानी कि मर्दानगी बढ़ती है। इसके बाद दूध के साथ अश्वगंधा की फक्की लेने से खूब शक्ति बढ़ती है। अश्वगंधा आप सब लोग जानते हैं, देखिए, आजकल पिसी पिसाई अश्वगंधा मिलती है, और ये पौरुष शक्ति के लिए एक महान टॉनिक है। अश्वगंधा को दूध के साथ फक्की लेवें, फक्की का मतलब 1 चम्मच चाय के बराबर, सुबह शाम भी ले सकते हैं, इससे खूब ताकत बढ़ती है। और अश्वगंधा के चूर्ण में देखिए बंग भस्म आती है, जो आयुर्वेदिक दुकान पे मिलती है, ये कोई महंगी दवाई नहीं। तो अश्वगंधा के साथ में, जैसे मान लो 200 ग्राम अश्वगंधा है, तो 5-6 ग्राम बंग भस्म उसमें डाल दें, और इनको मिला के, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लें, तो बुढ़ापे के अंदर जो कमजोरी आती है, जो एज यूं मान के चलिए कि 55 साल के बाद जो कमजोरी आती है, ये उन लोगों के लिए है, उनको इसमें बंग भस्म शामिल किया है हमने। तो ये अश्वगंधा के साथ में बंग भस्म मिला करके ये यदि सुबह शाम लेंगे तो उनको कोई तरह की कमजोरी, सेक्स संबंधी कोई कमजोरी नहीं रहेगी। और जो पान अपन खाते हैं, इनका शरबत बना करके यदि पियेंगे तो इससे भी ताकत बढ़ती है। देखिए, चिलगोजा खाने से भी शरीर में फुर्ती आती है। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है और बड़ा महंगा है, लेकिन जो कर सकते हैं तो उनके लिए तो है, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे देश की जनता के लिए बोल रहा हूं। हाँ, प्याज के रस में घी मिलाकर, देखिए, अब ये गरीबी भी, ऐसे नुस्खे भी हैं जो बिल्कुल फ्री के हैं, उनको गरीब आदमी करे, प्याज का रस में थोड़ा घी मिला के पीने से पौरुष शक्ति बढ़ती है। आप वंडर करेंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये सुबह शाम थोड़ा थोड़ा आप पी सकते हैं, अब पूरी गर्मी का मौसम है। हाँ, प्याज के रस में
घी देखिए जहां तक हो गाय का लें तो बढ़िया, फिर जैसा भी मिलता है हाँ तो थोड़ा घी मिला के उसको पी लें, ऊपर पानी न पिए। इसके अलावा अगर किसी को बहुत कमजोरी है शरीर के अंदर और अगर आलस्य आता है तो देखिए बाजार के अंदर आपको बनी बनाई मिलेगी, एक तो लोहा सव और एक द्राक्षा सव, ये बोतल में मिलेगा आपको और लिक्विड में है, तो इनको 10-10 ग्राम एक कटोरी में डाल के और उतना ही पानी डाल के सुबह शाम खाना खाने के बाद लें तो शरीर में ताकत आएगी और कमजोरी हटेगी। इसके अलावा और नुस्खे हैं, देखिए द्राक्षा सव और अश्वगंधा रिष्ट, इन दोनों को भी 10-10 ग्राम लेके और थोड़ा पानी मिला करके खाना खाने के बाद दोनों समय अगर लेंगे तो इससे भी शरीर में ताकत का संचार होगा। देखिए गरीबी नुस्खा भी है, एक पाव कच्ची गाजर खा करके और एक शेर पानी पिए तो सब तरह की कमजोरी हटती है, और जिनको रक्त की कमी है उनको खून बढ़ाने के लिए ये प्रयोग करना चाहिए। एक पाव यानी कि देखिए एक पाव का क्या, 2-3 गाजर खा के ऊपर डट के पानी पी लीजिए, इससे खून बढ़ता है। ये लिखते हैं संभालू की जड़ का चूर्ण 4 ग्राम घी के साथ चाटने से खूब शक्ति बढ़ती है। तो देखिए संभालू को उसका दूसरा नाम आयुर्वेदिक में निर्गुंडी होता है, तो यदि कोई आपको देहात के व्यक्ति को कहेंगे तो वो इसकी जड़, इसके इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं जंगलों में खूब होते हैं, यदि वो जड़ ला के दे दे तो उसका चूर्ण बना के 2-3 ग्राम और उसको घी के साथ चाटने से खूब शक्ति बढ़ती है, अगर संभव हो तो करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। एक हम नुस्खा बताते हैं बहुत ताकतवर जो कर सकते हैं उनके लिए। देखिए कुछ प्याज मिट्टी के एक पात्र में भर के उसके ऊपर वो मिट्टी का ही लेप करके उसको पैक कर देवें, और जिनके यहाँ गाय, देखिए ये गांव के लोग ये नुस्खा कर सकते हैं, जहां गायें बैठती है 5 या 10 गायें बैठती है, गौ माता बैठती है, उनके नीचे एक खड्डा खोद देवें जहां वो बैठती हैं, और उस बर्तन को उस खड्डे के अंदर गाड़ के और फिर जमीन को लेवल कर देवें और 4 महीने तक उसको उसी स्थिति में रखें जिस पात्र में प्याज भरे हों, और 4 महीने बाद उसको निकाल के और थोड़ा थोड़ा अपनी शक्ति के अनुसार खाएंगे तो मैं कहता हूं ये इतना जबरदस्त टॉनिक होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। देखिए ये गांव के लोग कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। इसको मैं एक बार और बोल देता हूँ, प्याज को मिट्टी के बर्तन में लेके और मिट्टी की वो जो फूटी हुई जो मटकी होती है उसकी ऊपर लगा के और उसको पैक कर दें आप, और जहाँ गायें बैठती है वहाँ खड्डा खोद के उसको दबा दें, 4 महीना वहीं पड़े रहें। तो देखिए जो गौ माता जो पेशाब करती है, जो गोबर भी करती है, तो उन सब का उस जमीन के अंदर उनके अंदर उनका अंश जाता है, और 4 महीने बाद उस गड्ढे को निकाल के और थोड़ा थोड़ा प्याज आप खाइए, ऊपर पानी न पिए, इससे जबरदस्त शरीर के अंदर ताकत आती है। ये नुस्खा कोई भी कर सकते हैं, गरीब अमीर कोई भी कर सकते हैं। देखिए कोंच के बीज आजकल हर जगह ये चीजें बहुत इजी है, पिसी हुई पंसारी के मिल जाती है, कोंच के बीज का पाउडर और गोखरू का पाउडर ये बराबर मात्रा में लेके थोड़ी मिश्री मिला के 1-1 चम्मच इसकी दूध के साथ फक्की लेने से खूब आपकी अस्तम्बन शक्ति बढ़ेगी। बादाम की गुली और भुने हुए चने, यानी कि बादाम की गुली और भूंगड़े यानी कि भुने हुए चने, इनको बराबर मात्रा में लेके सुबह अगर थोड़ा चबा लिया जाए, ऊपर पानी न पिए, तो शरीर में खूब ताकत आएगी। हाँ मैं समय देखता हूँ, हाँ देखिए जहाँ ये चंपा नाम का एक वृक्ष होता है जिसके फूल बड़े वो सुगंधित होते हैं, तो इसके जो फूल होते हैं चंपा के, देखिए ये जो जानते हैं वही करें, क्योंकि चंपा कहीं
प्रजातियों में होती है, तो इसके फूलों को शहद में चाटने से भी ताकत बढ़ती है। जायफल सब जानते हैं, इसको पीस करके और छोटी गोली बना ले, में एक एक रत्ती की गोली बनावे, एक रत्ती का मतलब एक चिरमी के बराबर, और दो दो गोली दूध के साथ सुबह शाम लेने से शक्ति भी बढ़ेगी। थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये मल को थोड़ा बांधती है, यानी कि जिनको कब्जी रहती है वो इनका प्रयोग नहीं करें, बाकी सब कर सकते हैं। इसके अलावा करीब 5 ग्राम कोंच का जो पाउडर है बीज का, इसकी फक्की लेवें, इससे दूध के साथ लेने, इससे जिनकी नाड़ी धीरे चलती है कमजोरी की वजह से, और जिनके गुर्दे और चमड़ी इनके अंदर कोई तरह का कोई विकार हो, तो इससे ठीक हो जाता है। देखिए, जिनके घर में गाय है, तो उस गाय को अगर एक सिर सुबह और एक किलो सुबह एक किलो शाम को यदि शहतूत के पत्ते खिलावें और उस गाय का जो दूध पिएंगे, तो उनमें अपार शक्ति होगी। देखिए, हम जो आपको नुस्खे बता रहे हैं, ये न तो बालकृष्ण महाराज बता पाएंगे, न कोई और कोई महाराज बता पाएंगे। हम आपको ऐसे नुस्खे बताएंगे जो बड़े दुर्लभ हैं। अरे वो क्यों बताएंगे, फिर उनके कमाई कैसे होगी। हाँ, तो सुने आप आगे। तो वो शहतूत गाय खाएगी, उसका दूध जो पियेंगे उनमें खूब ताकत आएगी। देखिए, पीपल, काली मिर्च और सौंठ, इनका चूर्ण बना के इक्वल क्वांटिटी में, इनकी फक्की लेने से जिनके पांव ठंडे होते हैं, पसीना आ जाता है कमजोरी की वजह से, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकी और नहीं। एक ये लिखा है कि गोरखमुंडी एक बड़ा दिव्य पौधा है, गोरखमुंडी, तो गोरखमुंडी के उसके ऊपर पुष्प आते हैं, ऐसे गोल गोल पुष्प आते हैं, उनको ला करके पसारी के यहाँ मिल जाएंगे, और उनको पाउडर बना के एक चम्मच शहद में मिला के चाटने से जबरदस्त शरीर में शक्ति आएगी, हाथ पाँव के जॉइंट पेन को भी आराम मिलेगा, पीठ के दर्द को आराम मिलेगा। ये इतना शानदार और प्यारा नुस्खा है, नो साइड इफेक्ट, नो बेड इफेक्ट, हम पहले भी बता चुके हैं। गोरखमुंडी दिव्य वनो औषधि है, इसका प्रयोग कोई भी कर सकते हैं। इसके फूलों का चूर्ण शहद में चाटने से पौरुष शक्ति खूब बढ़ेगी। काली मूसली का चूर्ण, जिनको नाइट फॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, इस तरह की जो वीर्य की कमजोरी है, वीर्य का पतलापन है, उनके लिए काली मूसली का चूर्ण बना करके एक चम्मच थोड़ी मिश्री मिला दें और दूध के साथ लेने से ये कमजोरी ठीक हो जाएगी। देखिए, ये समय हो गया है, हम इसका सेकेंड पार्ट अभी आपको सुनाते हैं।